का हो गया, रोकेंगे फिर सामने रोकेंगे, फिर किधर रोकेंगे, बाईं ओर, तीन तरफ फिर रोकिए और पीछे, क्यों सामने से आने वाले वाहन भी ठीक है, क्लियर है। अब 10 20 मीटर 50 मीटर पीछे तो क्या होगा, हमको सामने की ओर दिखाई दे रहा है। अब ये दीवार है मेरे सामने, नहीं तो मेरे को क्या होता है, इससे आगे भी दिखाई देता। तो बिना अवरोध के कोई भी व्यक्ति क्या होते हैं, तब पूरे विश्व में या देश में कह लीजिए क्या होता है, एक साथ उजाला होता है। तो जो किसी भी कलर से तरंगे जो निकलती है तो उसमें ये हमारा इधर दाहिना, हमारे दाहिनी ओर से जो वाहने आ रही है कटघोड़ी तरफ से, ये हमारे सबसे करीब का वाहन होता है। क्यों? क्योंकि उसका बायां साइड सड़क के ओर में इधर से भी लोगों का जाना, मतलब ये देखिए सेम मिशन, एक तरफ से आप जा रहे हैं और आपके सामने से दूसरे तरफ से लोग आ रहे हैं, ठीक है जी। अब इसमें ध्यान क्या देना है, ये बीच का सीमा रेखा मान लीजिए आप, अगर आप एक तरफ से जा रहे हैं और दूसरे तरफ से लोग आ रहे हैं तो आप जो सड़क का बीचों बीच है, तो अगर आप इधर से जा रहे हैं तो सड़क के उस पार आपको नहीं चलना है। क्यों? क्योंकि उधर से आने वाले के लिए जगह नहीं। अब इसमें ध्यान क्या देना है, मान लीजिए आपको अगर मेन रोड में चल रहे हैं, कौन से रोड में, मेन रोड के सामने जैसे ये आप जा रहे हैं ठीक है, ये चल रहे हैं, अब आपके सामने कोई भारी वाहन, मान लीजिए आप बाइक में, फोर व्हीलर में, कोई ट्रक या बस यहाँ चल रही है ठीक है, इस सड़क पे कोई ट्रक या बस बड़ी वाहन चल रही है, अब आपको इसको पार करना है, क्योंकि हो सकता है 20 30 40 की स्पीड में चल रहा हो, हमारा गाड़ी जो है 50 60 की स्पीड में चल सकता है, मोटरसाइकिल फोर व्हीलर जो है, अगर सड़क सही है अच्छी स्थिति में सड़कें हैं तो हम आराम से 50 की स्पीड में चल सकते हैं ठीक है। क्या करेंगे, अब इधर से ये लाइन है मान लीजिए, हम इसको क्या मान रहे हैं, सीमा रेखा, ये सीमा रेखा कहाँ पे बनता है, ये अक्सर डॉट डॉट बनता है, क्या बनता है, डॉट डॉट बना होता है सड़क पे, पर जहाँ तिराहा हो, मोड़ हो या पुलपुलिया हो, वहां ये जब सीधी रोड हो और ये बिंदी जो है इसके आगे जाने के लिए आपको देखना है, पहले इधर से कोई गाड़ी आ तो नहीं रही है, या अगर आ रही है तो इसको पार होने दीजिए, नहीं आ रही है तो इसके बगल से आगे निकालिए और फिर इसके आगे चले जाइए, लेकिन एक साथ एक या दो गाड़ी ऐसे करके पूरे 6 ट्रक को आपको पार करना है। क्यों? क्योंकि एक साथ पार करने के चक्कर में आप